सर, ओके न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। हरियाणा विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया है और जो चुनावी नतीजे हैं आपके सामने हैं, किसी को भी बहुमत यहाँ पर नहीं मिल पाया है। अब अपने चुनाव की अगर बात करें, आप अपने प्रतिद्वंद्वी से 17,000 वोटों से लगभग चुनाव हार गए हैं। सबसे पहले तो इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे मतलब जनता ने नहीं, मुझे मतगणना के दौरान मुझे धांधली तानाशाही और गड़बड़ी ने हरा। मतगणना जो अधिकारी थे उन्होंने सरेआम मतलब धांधली करी। सबसे पहले तो जो नॉर्म्स होते हैं मतगणना के, राउंड वाइज जो कॉपी देनी चाहिए वो कॉपी नहीं दी। मैंने ऑब्जर्वर साहब को लिखित में शिकायत दी, तब जाकर के अनसाइंड कॉपी देना शुरू किया उन्होंने। और 2-2.5 घंटा उन्होंने पूरा मतदान, पूरे मतगणना को रोके रखा और कोई मिस्त्री के नाम पर किसी आदमी को बुला करके 70 मशीनों को हैंग कर दिया और तब मतलब मेरे को आया। क्या आप इसके लिए इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे कि गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए? इलेक्शन कमीशन को मैं लिख रहा हूँ, याचिका भेज रहा हूँ और इसमें मैं ये मांग कर रहा हूँ कि जो धांधली गड़बड़ी और तानाशाही की गई उसकी CBI से इलेक्शन कमीशन जांच करवाए और जांच करवा करके दोषी अधिकारियों को दंड दे और इस इलेक्शन को निरस्त करके पुनर्मतदान की मांग। आपको जनता से बहुत ज्यादा लगाव मिला है क्योंकि आपका ये जो चुनाव है इसे पूरी तरह आप हार मानने को तैयार? बिल्कुल, हम हार नहीं मान रहे, हम जीत रहे हैं इस इलेक्शन को। और अटली की जनता ने 37,000 से भी ऊपर वोट देकर के मेरे को जिताया है और मैं बड़ी मजबूत स्थिति में हूँ और मैं कोई मतलब निराश नहीं हूँ और मैं जनता की सेवा करता रहूँगा, जनता के बीच में जा रहा हूँ। तो कार्यकर्ताओं को मजबूत रहने के लिए भी कह रहे हैं आप? हाँ, मैं अपने साथियों को कह रहा हूँ कि भाई जो हमारे साथ जो लोकतंत्र में जो ये मतगणना अधिकारी जो तानाशाही की है। सर, इस इलेक्शन में एक बड़ी बात देखने को मिली कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि कोई भी न्यूज चैनल या अखबार एग्जिट पोल और सर्वे नहीं दिखाएगा, जबकि देखने में यह आया कि चुनाव से ठीक 2 दिन पहले सभी अखबारों और चैनलों पर 2 प्राइवेट चैनलों का सर्वे दिखाया गया जिसमें भाजपा को 83 सीटें दिखाई गई, जिसमें 3 कांग्रेस और 4 अन्य को। तो क्या इससे चुनाव पर कोई फर्क पड़ा है? इससे बहुत फर्क पड़ा है और ये जो है ना बहुत इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन की सरासर अवहेलना है और इलेक्शन कमीशन को जो है ना इस पर एक्शन लेना चाहिए और अखबारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बारे में भी लिखेंगे हम इलेक्शन कमीशन को कि ये जो गाइडलाइन की उल्लंघना की है उसकी जांच करवा करके दोषियों को दंड दिया। कुछ जो उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में आते हैं और हारने के बाद कहीं गायब हो जाते हैं, आपका क्या कुछ रहेगा आगे? इसमें कुछ सीधी राय है, नरबरगढ़ वो जाएंगे जिन्हें जान की बाण, जो सेवा करने की जिसने बाण है वो सेवा करेगा। अतरलाल को सेवा करने की बाण है, इसलिए अतरलाल जनता की सेवा करता रहेगा, सेवाएं जारी रखेंगे और जनता के बीच लगातार बने रहेंगे। और कुछ जनता से आप अपील करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि अकेले की जनता ने जो मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है वो मैं खराब करूंगा और आधी रात में जनता का जो हकों की कोई बात होगी उनके बीच में मिलूंगा और हमेशा जनता के हकों की आवाज उठाऊंगा, उनके लिए संघर्ष करूंगा। ओके न्यूज हरियाणा को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए शुक्रिया सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का, आपका चैनल ने डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी को ऊंचा उठाने के लिए कार्य किया है। मैं बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।